हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। पिछले वाला वीडियो में हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का 50% क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए थे। आज का वीडियो में हम जो रेस्ट 50% क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उस दिन हमारा हो गया था 44 नंबर क्वेश्चन तक, उस दिन हमारा हो गया था। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मतलब इसमें दिया गया है 4 × 8 ब्रैकेट के अंदर 4 × 8 प्लस 4 5 − 4 डिवाइडेड 9 − 8 डिवाइड −15/3। मतलब ये एक हमारा जो भी इसी तरीके का मैथ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बदमाश रूल से। मतलब बदमाश रूल से हम इसी को सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट मतलब इसमें 4 × 8 मतलब 32, 32 प्लस 5 − 1 प्लस 1 डिवाइड 9 − 8 मतलब 1 − 15/3। 15/3 मीन्स 5। ब्रैकेट का काम हो गया। अभी हम ब्रैकेट का बाद क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन कहाँ है, डिवीजन मतलब यहाँ डिवीजन है। डिवीजन 1 / 1 मतलब 1 हो जाएगा, 32 + 1 33 हो जाएगा, 33 − 5 33 − 5 हमारा आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 1/5 प्लस 2/10 प्लस 3/15 मतलब 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 1/5। सो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 आंसर हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन डज ए कारपेंटर यूज। कारपेंटर किसी टाइप का ड्रिलिंग मशीन यूज करता है। सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन। हमारा कारपेंटर किसी टाइप का ड्रिलिंग मशीन यूज करता है, ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस गोज आर यूज टू चेक। रेडियस गोज को हम क्यों यूज करते हैं, किसी को चेक करने के लिए यूज करते हैं रेडियस गोज का। हम रेडियस गोज देखो, रेडियस गोज में इंटरनल को भी हम चेक कर सकते हैं, और रेडियस गोज का प्रोफाइल ऐसा, मतलब इसी में हम इंटरनल रेडी को भी चेक कर सकते हैं, इसमें एक्सटर्नल रेडी को भी चेक कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, इंटरनल एंड आउटरनल रेडी, बहुत इंटरनल एंड आउटर रेडी को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप्स आर गिवेन इन द बॉडी ऑफ रिमर डैश। ग्रुप्स आर गिवेन इन द बॉडी ऑफ रिमर। रिमर का बॉडी में ग्रुप क्यों दिया जाता है, टू होल्ड द रिमर इन मशीन। मशीन रिमर को होल्ड करने के लिए, रिमर को होल्ड करने के लिए तो ग्रुप का यूज नहीं करते हैं, होल्ड करने के लिए हमारा सेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होल्ड द रिमर सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, टू होल्ड द रिमर इन रेंच। रेंच में होल्ड करने के लिए, रेंच में भी तो होल्ड करने के लिए नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इजी चिप्स रिमूवल एंड टू कीप द रिमर अलाइंड। क्यों हम ग्रुप्स ग्रुप्स आर गिवेन इन द बॉडी ऑफ रिमर, टू इजी चिप रिमूवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ गियर्स यूज इन हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन में किसी टाइप का गियर रहता है, वर्म गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर, बिवेल गियर। हैंड ड्रिलिंग मशीन में किसी टाइप का गियर रहता है, बिवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ टेप डिस्प्लेस द मटेरियल इंस्टेड ऑफ कोटिंग व्हाइल थ्रेडिंग। मतलब थ्रेड वो कर मतलब वो क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिस टाइप ऑफ टेप डिस्प्लेस द मटेरियल मतलब वो एक्सेस मटेरियल को डिस्प्लेस कर रहा है, वो क्या होगा, थ्रेड फॉर्म मतलब वो फॉर्म कर रहा है। मतलब ऑप्शन दिया गया है, नॉट टेप, पुली टेप, हेलिकल फ्लूटेड टेप, थ्रेड फॉर्मिंग टेप। आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड फॉर्मिंग टेप। इसमें दिया गया है ना, वो डिस्प्लेस करता है एक्सेस मटेरियल को, वो कट नहीं करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेड फॉर्मिंग टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS304 कॉन्टेंट्स। SS304 में परसेंटेज, एस एस मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ
क्रोमियम एंड निकल उसका परसेंटेज क्या रहता है? उसका परसेंटेज ऑप्शन में 8% क्रोमियम, 18% निकल, 18% क्रोमियम, 8% आयरन, 18% निकल, 8% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकल। SS304 में उसका कंपोजिशन क्या है? SS304 में 18% क्रोमियम, 8% निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैशिनिंग बॉडी ड्यू टू इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस टू वेयर, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू शॉक, लो कॉस्ट मटेरियल। कास्ट आयरन को क्यों हम मशीन बॉडी में यूज करते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहते हैं उस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू शॉक। एग्जाम्पल लेड बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज इज एन एलॉय फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, इनमें से कौन सी एक एलॉय है? कॉपर, कॉपर तो नहीं है, लीड भी नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, सो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जिसमें क्रोमियम एंड निकल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एलोइंग एलिमेंट इन HSS, HSS में मेन एलोइंग एलिमेंट क्या है? HSS का कंपोजिशन क्या है? 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, 8% क्रोमियम एंड 1%, सॉरी 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वानाडियम। सो मेन कंपोजिशन क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज मेटल हैज हाईएस्ट मालेबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, मालेबिलिटी क्या है? मालेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू ड्रॉन इन टू सीट। सो हुईज इज द हाईएस्ट मालेबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉपर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, गोल्ड। गोल्ड का सबसे ज्यादा मालेबिलिटी प्रॉपर्टी, गोल्ड, हुईज हैज द हाईएस्ट मालेबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्वनाइज आयरन इज कोटेड विथ गोल्ड, जिंक, आयरन, कॉपर। गाल्वनाइज आयरन में किसी का हम कोटेड करते हैं? जिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60-40 ब्रास इज नोन एज डेस मेटल, 60-40 ब्रास को हम क्या बोलते हैं? मॉन्ज मेटल, गॉन मेटल, कोल्ड, नोबेल। 60-40 ब्रास हमारा मॉन्ज मेटल, क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन 59 to 63, मैच द पार्ट्स फ्रॉम द फिगर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नोट, मतलब ये फिगर से नोट का नेम पूछा है। हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द सेल्फ लॉकिंग नोट, इनमें से सेल्फ लॉकिंग नोट कौन सा है? ये है हमारा सेल्फ लॉकिंग नोट, क्योंकि इसमें एक नाइलॉन का इंसर्ट रहता है। नेक्स्ट, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर नोट, इसमें से स्क्वायर नोट क्या है, कौन सी है? ये एक स्क्वायर नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट सिंपल हेक्सागोनल नोट, इनमें से हेक्सागोनल नोट कौन सी है? ये है हमारा हेक्सागोनल नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट कास्टल नोट, कास्टल नोट, इनमें से कास्टल नोट कौन सी है? ये कास्टल नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स विंग नोट, इनमें से विंग नोट कौन सी है? ये विंग नोट है, ये तो सबको पता है, हेक्सोफ्रेम में यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये फ्रॉम द गिवेन, फ्रॉम क्वेश्चन 64 to 68, मैच द पार्ट्स फ्रॉम द फिगर टू ऑफ टाइप्स ऑफ कीज, ये कीज का नाम पूछा है। हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द वुडरोफ की, इनमें से कौन सी वुडरोफ की है? वुडरोफ की, ये हमारा वुडरोफ की, क्योंकि सेमी सर्कुलर शेप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द पैरेलल सॉन्ग की, उनमें से पैरेलल सॉन्ग की है, पैरेलल सॉन्ग की, ये हमारा पैरेलल सॉन्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द होलो सिलेंडर की, हुईज ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर की में क्या होता है? की में स्लॉट रहता है, मतलब वो सिलिंड्रिकल को सपोर्ट करने के लिए की में रहता है, स्लॉट रहता है। सो हुईज क्वेश्चन क्या पूछा है? हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द होलो सेडल की, होलो सेडल की में शार्प में कुछ ग्रुप नहीं रहता है, की में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द फीदर की,
इनमें से कौन सी फिदर की है? ये हमारा फिदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गिवन रिप्रेजेंट द फ्लैट शेडल की? फ्लैट शेडल की में क्या होता है? फ्लैट शेडल की में की फ्लैट रहता है, साथ में ग्रुप रहता है। सो ये हो गया हमारा फ्लैट शेडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेलिंग प्रोसेस इज टू इंक्रीज द डक्टिलिटी, इंक्रीज इन टफनेस, इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इंप्रूव हार्डनेस। ये दोनों क्वेश्चन इसरो ने रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड्स हैज लीड एंड पिच आर इक्वल? मतलब लीड का फॉर्मूला क्या है? लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स इंटू पिच। वो पूछा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड हैज लीड एंड पिच एज इक्वल? कौन सी थ्रेड में लीड एंड पिच इक्वल होता है? मान लो सी, वो कौन सी थ्रेड होगा? मल्टी स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, टू स्टार्ट थ्रेड एंड थ्री स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, क्योंकि एन हमारा वन होगा तभी तो हमारा लीड इक्वल टू पिच होगा ना, इसीलिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? लीड एंड पिच एज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। इनमें से हैवीएस्ट मेटल कौन सी है? गोल्ड है हमारा हैवीएस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम किसी को यूज करते हैं? वाटर, फोम, केमिकल, ऑल ऑफ द अबव। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम सभी को यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ द आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन SS304? SS304 में कौन सी एलिमेंट नहीं रहता है? AU, AU मीन्स गोल्ड, Fe आयरन, निकेल, क्रोमियम। SS304 का कंपोजिशन क्या है? 18% क्रोमियम, 8% निकेल, और बाकी जो रेस्ट रहता है वो क्या रहता है? आयरन रहता है। सो गोल्ड नहीं रहता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन SS304? गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा, हमेशा थीटा का ऑपोजिट हमारा हाइट होता है, एंड एडजोसेंट होगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हाइट हो जाएगा, ये एंड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसी हिसाब से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, मतलब क्या है? एडजोसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बाय एडजोसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इन इंच? स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या है? स्टील रूल का लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है, 0.5 mm, और 1/64 इंच, 1/64 इंच। ऑप्शन क्या दिया गया? 1/8, 1/16, 1/24, नॉन ऑफ द अबव। सो नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, एनी ऑफ द अबव। हमारा जो फायर ट्रायंगल रहता है, फायर ट्रायंगल का फायर ट्रायंगल में क्या क्या रहता है? फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। इनमें से किसी को भी हम रिमूव कर देंगे तो फायर कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन 78 to 82, मैच द पार्ट्स फ्रॉम द फिगर नंबर 3, टाइप्स ऑफ स्पानर। ये स्पानर का नाम पूछा है। व्हिच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स सिंगल एंडेड स्पानर? इनमें से कौन से एक सिंगल एंडेड स्पानर है? ये हमारा सिंगल एंडेड स्पानर है, क्योंकि एक ही एंड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स रिंग स्पानर? इनमें से रिंग स्पानर कौन है, कौन सा है? रिंग स्पानर मतलब ये रिंग, देखो इसमें एंड का देखो दो रिंग टाइप का है ना, ये हमारा रिंग स्पानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स सॉकेट स्पानर? इनमें से कौन सी सॉकेट स्पानर? ये हमारा सॉकेट स्पानर है, क्योंकि ये ट्यूबुलर स्पानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द एडजस्टेबल स्पानर? इनमें से एडजस्टेबल स्पानर कौन सी है? ये एडजस्टेबल स्पानर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट हुक स्पैनर, इनमें से हुक स्पैनर कौन है, कौन सा है? ये हुक स्पैनर है, ये डबल एंडेड स्पैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ये वाला फिगर में कितना ट्राइंगल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mm इज इक्वल टू डैश इंच, 1 mm इज इक्वल टू 39.37 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी इज होस्टेड एशियन गेम 2018, ये हमारा जीके का जीके पार्ट हो जाएगा। सो हमारा टेक्निकल पार्ट कवर हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।